नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं दर्शन, वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन जो 6 वैदिक दर्शन हैं उसमें न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे वैशेषिक दर्शन। सर्वप्रथम वैशेषिक का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। वैशेषिक का अर्थ महर्षि कणाद ने जिस दर्शन की रचना की है वह वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा इस विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का कहना है विशेष नाम पदार्थ मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। जैसा कि न्याय कोश में आता है विशेषम पदार्थ मेदमधिकतम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। वैशेषिकों का कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु अपनी विशिष्ट सत्ता रखती है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। वेदांत के मत से सभी वस्तुएं मूलतः एक हैं। वैशेषिक इस मौलिक एकता फंडामेंटल यूनिटी को स्वीकार नहीं करता है। उसके मतानुसार वस्तुओं की अनेकता प्लुरलिज्म और भिन्नता डिफरेंस ही मूल तत्व रियालिटीज हैं। किसी वस्तु को जैसे एक घट को ले लीजिए, उसमें रूप रंग आदि नाना गुण वर्तमान है, किंतु ये सब गुण अनन्यान घटों में ही पाए जाते हैं, अतियो वे सामान्य कामन है। किंतु उस घट की एक अपनी खास विशिष्ट सत्ता है, इंडिविजुअलिटी है, जो अनन्यान घटों में नहीं है। यह विशिष्ट सत्ता जो एक वस्तु को अनन्यान वस्तुओं से पृथककरण डिफरेंटेशन करती है विशेष कहलाती है। परमाणु में सामान्यों को छांटते छांटते अंत में जो भाग अवशेष रह जाता है वही विशेष अल्टीमेट रेसिड्यू है। अन्ते अविभाज्य रूपेण अवशिष्यते इति विशेषः। प्रत्येक परमाणु का अपना पृथक पृथक विशेष या व्यक्तित्व है। प्रत्येक परमाणु मूल सत्ता फंडामेंटल रियलिटी में एक विशेष का अंतर्भाव दूसरे में नहीं होता है। इसी विशेष मूलक भिन्नता ऑटोमिस्टिक प्लुरलिज्म को मानने के कारण कणाद प्रणीत दर्शन वैशेषिक कहलाता है। कुछ लोगों की राय है कि अनन्यान दर्शनों से विलक्षण होने के कारण ही कणाद का दर्शन वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध है। पदार्थों का सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण एनालाइजेशन जितना वैशेषिक दर्शन में मिलता है उतना और किसी में नहीं। वेदांत दर्शन केवल एक ही सत्ता ब्रह्म के अभ्यंतर सभी वस्तुओं का सन्निवेश करना चाहता है। सांख्य दर्शन दो सत्ताओं का प्रकृति और पुरुष के अभ्यंतर सभी वस्तुओं का समावेश करना चाहते हैं, किंतु वैशेषिक दर्शन सभी वस्तुओं की अलग अलग सत्ता स्वीकार करता है। जहां और दर्शनों का दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक है, सिंथेटिक है, वहीं वैशेषिक का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है, एनालिटिक है। माधवाचार्य कहते हैं द्वित्वे च पाक ज्योत्पत्ति विभागे च विभागजे यस्य न अस्खलिता बुद्धिस्तम वै वैशेषिकम विदु सर्वदर्शन संग्रह। वास्तविक भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए सूक्ष्म विश्लेषण में जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं हो वही वैशेषिक है। वैशेषिक कर्ता कणाद जिस प्रकार न्याय सूत्र के कर्ता गौतम ऋषि हैं उसी प्रकार वैशेषिक सूत्र के रचयिता हैं महर्षि कणाद। इनका नाम कणाद क्यों पड़ा इस विषय में एक दंत कथा है। कहा जाता है कि ये महर्षि दार्शनिक तत्वों के अनुसंधान में इस तरह अपने को भूले रहते थे कि खाने पीने की शुद्ध भी नहीं रहती थी। जब क्षुधा की ज्वाला जलती थी, भूख लगती थी, तब ये खेत में बिखरे हुए अन्य कणों से अपने उदर पूर्ति कर लेते थे और पुनः सूत्र रचना में लग जाते थे। अतः एक कणाद या
कर्णभक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि कर्णाद के दो और नाम प्रचलित हैं, काश्यप और उलुक। काश्यप गोत्र में उत्पन्न होने के कारण एक काश्यप कहलाते हैं। उलुक नाम के संबंध में यह क्योदंती है कि साक्षात भगवान ने उलुक रूप में अवतीर्ण होकर इन्हें पदार्थ तत्व की विद्या प्रदान की थी। सर्व दर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन के लिए औलुक्य दर्शन नाम प्रयुक्त हुआ है। यह भी संभव है कि बौद्धादि विपक्षियों ने चीड़कर वैशेषिक कार्य के लिए उलुक की संज्ञा दी हो और यह नाम कालक्रम से प्रचलित हो गया हो। वैशेषिक की प्राचीनता। वैशेषिक दर्शन बहुत ही प्राचीन है। कुछ लोगों का मत है कि यह न्याय से भी अधिक प्राचीन है। इस मत का आधार यह है कि गौतम सूत्र में तथा वात्सायन भाष्य में वैशेषिक के सिद्धांत मिलते हैं, किंतु कणाद सूत्र तथा प्रशस्तपाद भाष्य में न्याय की कोई छाप नहीं पाई जाती। इससे अनुमान होता है कि वैशेषिक की रचना पहले हुई और न्याय की पीछे। एक बात और है, वैशेषिक मुख्यतः पदार्थ शास्त्र ओंटोलॉजी है और न्याय मुख्यतः प्रमाण शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ये, वह पहले बहिर्जगत की ओर झुकता है, अंतर जगत की ओर उसका ध्यान पीछे जाता है। इससे भी यही बात अधिक संभव मालूम होती है कि न्याय से पूर्व ही वैशेषिक की रचना हुई है। कणाद के समय का ठीक पता नहीं चलता, किंतु इतना निश्चित सा है कि बुद्ध देव और महावीर से बहुत पहले ही वैशेषिक दर्शन कार्य का प्रचार हो चला था। बौद्ध दर्शन के निर्माण सिद्धांत पर वैशेषिक के असत कार्यवाद की गहरी छाप है। जैन दर्शन में जो परमाणुवाद है वह वैशेषिक से लिया गया है। लंका अवतार सूत्र देखने से साफ पता चलता है कि जैन सिद्धांतों के निरूपण में वैशेषिक का कितना प्रभाव है। ललित विस्तार आदि ग्रंथों में भी इस बात के चिन्ह पाए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य न्यायकर्ता गौतम की तरह वैशेषिक कार्य भी आरंभ ही में अपने दर्शन का उद्देश्य बतला देते हैं। यह उद्देश्य है निःश्रेयस व मोक्ष की प्राप्ति। वैशेषिक दर्शन का पहला सूत्र है अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। धर्म की विवेचना करना ही वैशेषिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। अब यह धर्म है क्या वस्तु, इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार दूसरे सूत्र में देते हैं। जिससे सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो वही धर्म है। निःश्रेयस का अर्थ है मुक्ति, अर्थात सभी दुखों से सर्वदा के लिए छूट जाना। इसी बात को आचार्यों ने इन शब्दों द्वारा बतलाया है, मुक्ति ही आत्यांतिकी ही दुख निवृत्त। चर मधु स्वध्वंस आत्यांतिको दुखा भाव। मुक्ति और मोक्ष को अलग अलग परिभाषित किया गया है। अहिति निवृत्ति रात्यंतिकी मुक्ति। श्रेय या कल्याण दो प्रकार का होता है, दृष्ट अर्थात इष्ट की प्राप्ति, अदृष्ट अर्थात अनिष्ट की निवृत्ति। अदृश्य श्रेय व अहित निवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, अनात्यंतिकी अर्थात क्षणिक दुख निवृत्ति, जैसे कांटे से बचना। यह दुख दुखाभावा अस्थाई है, क्योंकि कालांतर में वैसा ही दुख पुनः उपस्थित हो सकता है। आत्यांतिकी अर्थात शाश्वत दुख निवृत्ति, दुख के जो मूल कारण व बीज हैं उन्हीं को नष्ट कर देने से दुख का ध्वंस हो जाता है। दुख ध्वंस दुखानुत्पत्ति, दुख का चरम ध्वंस वह है जिसके बाद फिर कभी दुख की उत्पत्ति ही न हो सके। इसी अवस्था का नाम निःश्रेयस अथवा मुक्ति है। यह निःश्रेयस व मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है यह सूत्रकार अंतिम सूत्र में बतलाते हैं। धर्म विशेष प्रसुताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष भाव यानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्मा में तत्व ज्ञानानि श्रेयसम। जिस प्रकार महर्षि गौतम प्रमाण प्रमेय आदि षोडश पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष का होना बतलाते हैं, उसी प्रकार महर्षि कणाद द्रव्य गुण आदि षठ पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष का होना बतलाते हैं।
वैशेषिक सूत्र का विषय। वैशेषिक सूत्र 10 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक है। किस अध्याय में कौन कौन विषय वर्णित है इसका विवरण नीचे बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है। प्रथम अध्याय में प्रथम आहनिक सर्वप्रथम सूत्रकार यह प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म क्या है। इसी व्याख्या को वे अपने दर्शन में करेंगे। फिर वे धर्म की परिभाषा बतलाते हैं, जिसके द्वारा अभ्युदय हो, जिसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। उनका कहना है कि द्रव्य गुण आदि 6 पदार्थों के सम्यक ज्ञान से मुक्ति हो सकती। तदंतर वे 6 पदार्थों का वर्णन आरंभ करते हैं। प्रथम आनिक में विशेषता द्रव्य गुण और कर्म के लक्षण तथा उनके प्रभेद बतलाए गए हैं। इन तीनों के साधर्म सिमिलैरिटीज और वैधर्म डिफरेंस भी दिखाए गए हैं। द्वितीय आनिक में इसमें सूत्रकार कहते हैं कि कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, किंतु कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता फिर वे दिखलाते हैं कि सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धि सापेक्ष है। तदंतर वे शुद्ध सत्ता हुआ भाव प्योर एग्जिस्टेंस का लक्षण बतलाते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम आहनिक, इसमें पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के लक्षण दिए गए हैं और उनकी समीक्षा की गई है। द्वितीय आनिक में इसमें मुख्यतः निम्नलिखित विषय है: पृथ्वी तेज और जल के स्वाभाविक गुण, गंध उष्णता शीतलता प्रकृति का वर्णन, दिशा और काल के लक्षण, शब्द नित्य हैं व अनित्य है इसकी विवेचना की है। तृतीय अध्याय पृथक आनिक में इसमें सूत्रकार नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा आत्मा के अस्तित्व प्रतिपादन करते हैं। प्रसंगानुसार निम्नलिखित विषयों की विवेचना की गई है: भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय में ऑब्जेक्ट्स और उनका सबका उपयोग करने वाला आत्मा है, ज्ञान कॉन्शियसनेस शरीर व इंद्रिय का गुण है, अनुमान के लिंग हेतु व अपदेश रीजन का लक्षण है, अनपदेश व हेत्वाभास फैलसी के लक्षण और प्रभेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय इंद्रिय और आत्मा का संयोग होना आवश्यक है, आत्मा अनेक है इसका प्रमाण। द्वितीय आहनिक इसमें निम्नलिखित विषय वर्णित है: मन का अस्तित्व सिद्ध करने के हेतु प्रमाण, वायु की तरह मन भी द्रव्य है, प्रत्येक शरीर में एक एक मन है, आत्मा के चिन्ह, आत्मा और शरीर के भेद, आत्मा अनेकत्वाद प्लुरिटी ऑफ सेल्वेस। चतुर्थ अध्याय में प्रथम आहनिक इसमें परमाणु का निरूपण किया गया है: सभी वस्तुओं के मूल तत्व हैं, परमाणु उन्हीं के संयोग से सभी भौतिक द्रव्य जानते हैं, कारण स्वरूप परमाणु नित्य अव्यय रहित होने के कारण उनका विनाश नहीं हो सकता है, कार्य द्रव्य स्वावयव होने के कारण अनित्य है। द्वितीय कहना है: पृथ्वी आदि से बने हुए कार्य द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं: शरीर इंद्रिय और विषय। शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पंचम अध्याय में बताया है प्रथम आहनिक में इसमें कर्म का वर्णन किया गया है, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं यह दृष्टांत के द्वारा दिखलाया गया है। पंचम अध्याय के द्वितीय आहनिक में इसमें भी कर्मों की परीक्षा की गई है, ऐच्छिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं के कारण बतलाए गए अदृष्ट की शक्ति तथा सुख दुख की उत्पत्ति की भी मीमांसा की गई है। अंत में यह दिखलाया गया है कि कर्म का अत्यंताभाव होने से मोक्ष व चरम दुख निवृत्ति होती है। दिक काल आकाश और आत्मा ये निष्क्रिय हैं, दिक और काल निष्क्रिय होते हुए भी सकल क्रियाओं के आधार हैं। इसी प्रसंग में यह भी दिखाया गया है कि अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, किंतु केवल तेज का अभाव मात्र है। छठे अध्याय के प्रथम आहनिक में इसमें वेदानुसार धर्म और अधर्म की मीमांसा तथा कर्तव्य की व्याख्या की गई है। छठे अध्याय के द्वितीय आहनिक में इसमें निम्नोक्त विषय वर्णित है: दृष्ट प्रयोजन कर्म जैसे कृषि और अशुचि कर्म, राग द्वेष के कारण मोक्ष का स्वरूप। सप्तम अध्याय के प्रथम आहनिक इसमें अणु आटम और महत वॉल्यूम हर्ष और दीर्घ आकाश और आत्मा तथा दिक और काल की समीक्षा की गई है। द्वितीय आहनिक इसमें एकता पृथंग संयोग वियोग शब्दार्थ संयोग परम तथा समवाय की विवेचना की गई है। अष्टम अध्याय में प्रथम आहनिक में इसमें सामान्य तथा विशेष ज्ञान की व्याख्या की गई है।
द्वितीय यानी इसमें भिन्न भिन्न इंद्रियों और उनकी प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। नवे अध्याय में प्रथम आनिक में इसमें असत कार्यवाद का प्रतिपादन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अभावों का वर्णन किया गया है। द्वितीय आनिक इसमें अनुमान शब्द उपमान स्मृति स्वप्न अविद्या और विद्या की विवेचना की गई। दसम अध्याय प्रथम आनिक में सुख दुख तथा ज्ञान का भेद है यह इसमें दिखलाया गया है। द्वितीय आनिक में इसमें समवायी कारण असमवायी कारण प्रभृति के भेद बतलाए गए हैं। अंत में वेद की प्रामाणिकता तथा मोक्ष साधनता का प्रतिपादन किया गया है। वैशेषिक साहित्य वैशेषिक दर्शन का आधार ग्रंथ है। महर्षि कणादकृत वैशेषिक सूत्र के ऊपर प्रशस्त पादाचार्य का प्रसिद्ध भाष्य जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह है। भाष्य का लक्षण यह है सूत्रार्थो वर्णयते येन पदे सूत्रानुसारी भी स्वपदानी च वर्णयन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु अर्थात सूत्रों का क्रमानुसार अर्थ करते हुए उस अर्थ की व्याख्या करना ही भाष्य कहलाता है। किंतु आचार्य प्रशस्तपाद ने कणादोक्त सूत्रों का अनुसरण नहीं करते हुए स्वतंत्र मार्ग का अवलंबन किया है। पदार्थ संग्रह में षट पदार्थों का विशद विवेचन 24 प्रकार के गुणों का निरूपण तथा सृष्टि और प्रलय का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सी बातें जैसे पाकजोत्पत्ति विभाग आदि ऐसी हैं जिनका कणाद के सूत्रों में नामोल्लेख तक नहीं आया है। पदार्थ धर्म संग्रह वैशेषिक सिद्धांतों का अमूल्य भंडार है। इसे भाष्य नहीं कहकर मौलिक ग्रंथ कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। पदार्थ धर्म संग्रह पर निम्नलिखित चार प्रमुख टीकाएँ हैं। श्रीधर कृत न्याय कंदली टीका, व्योम शिवाचार्य कृत व्योमती टीका, उदनयाचार्य कृत किरणावती टीका, श्रीवत्स वल्लभ कृत श्री लीलावती टीका, श्रीधर तथा उदयनाचार्य ने ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने की चेष्टा की है और अभाव नामक एक सातवां पदार्थ भी माना है। उसके बाद से तो सात पदार्थ मानने की परिपाटी ही वैशेषिक दर्शन में चली गई। शिवादित्य ने अपनी कृति का नाम रखा सप्त पदार्थी। इसमें सातों पदार्थों का सम्यक रूप से उल्लेख लक्षण तथा परीक्षा की गई। न्याय और वैशेषिक की धाराएं भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलते पर कुछ दूर जाकर एक हो गए। न्यायिकों ने वैशेषिक का पदार्थ भाग ग्रहण कर लिया, वैशेषिक ने न्याय का प्रमाण भाग अपना लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच की काई भरने लगी और पीछे जो ग्रंथ लिखे गए वे न्याय वैशेषिक के सम्मिलित संप्रदाय सिंक्रेटिक स्कूल्स के अंग बनते गए। कणाद सूत्र पर शंकर मिश्र रचित उपस्कार नामक टीका है। एक वृत्ति भरद्वाज रचित है जो भारद्वाज वृत्ति कहलाती है। जयनारायण कृति विवृत्ति भी प्रसिद्ध है। नागेश और चंद्रकार रचित दो वृत्तियाँ और मिलती हैं। उदयनाचार्य कृत किरणावली पर दो टीकाएँ मिलती हैं। एक वर्धमान उपाध्याय कृत किरणावली प्रकाश, दूसरी पद्मनाभ रचित किरणावली भास्कर। शिवादित्य की सप्त पदार्थी वैशेषिक का उपयोग सार ग्रंथ है। लोकप्रिय होने के कारण इस पर अनेक टीकाएँ रची गई हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय है मल्लिनाथ कृत निष्कंटक टीका, माधव सरस्वती कृत मित भाषणी टीका, सारंगधर कृत पदार्थ संधिका, भैरव चंद्र भैरवेंद्र कृत शिशुबोधनी इत्यादि रिक्त। इस ग्रंथ पर जिनभद्र सूरी पलभद्र तथा शेषानंद आचार्य प्रभृति भी रचित टीकाएँ हैं। उदयनाचार्य कृत लीलावती भी वैशेषिक का आदरणीय ग्रंथ है। इस पर सारंगधर द्वारा न्याय मुक्तावली नामक टीका है। वल्लभाचार्य न्यायाचार्य के न्यायली लीलावती एक प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। लौंगाक्षी भास्कर कृत तर्को कौमदी के स्थान भी महत्वपूर्ण है। वैशेषिक का सार षट दर्शन समुच्चय में वैशेषिक दर्शन का निचोड़ केवल 8 श्लोकों में दिया गया है। द्रव्यम गुणस्तथा कर्मम सामान्य च चतुर्थकम् विशेष समवायो च तत्व षटकम् ही तन्मते त
तत्र द्रव्यम नवधा भूजलम तेजो वनिलांतरिक्षाणी काल दिव्यात्मनांति गुणा पुनश्चेतु विसति गृहति स्वा स्पर्श रस रूप गंध्वा शब्द संख्या विभाग संयोग परिमाण च पृथ्ठ तथा परत्वा परत्विचे बुद्धि सुख दुखे धर्मा धर्मे प्रयत्न संस्कारो द्वेषे स्नेह गुरुत्वे द्रवत्वे गौगुणाई ते पुत्रे चेता वाक्षेपाकञ्चनकं प्राप्तरणं गमनं पंचविधे कर्म हेदतं परापरे द्वे तु सामान्ये तत्परं सताख्यं द्रव्याद्वाधर परमथ विशेषस्तु निश्चिन्तो नित्यद्रव्य वित्तिरन्यो विनिधीसते य इहायते सिद्धनामाधाराधेयभूतभावना सम्बन्धैपते हेतु प्रोक्तं स समवायु प्रमाणं च द्विसारिंशाप्रत्यक्षं लैङ्गिकं तथा वैशेषिकमतस्तैवं संक्षेपरिकर्तातितः। वैशेषिक के अनुसार मतानुसार छह पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन। गुण 24 प्रकार के होते हैं स्पर्श रस रूप गंध शब्द संख्या विभाग संयोग परिमाण पदार्थ पार्थक्य परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा धर्म अधर्म प्रयत्न संस्कार द्वेष स्नेह गुरुत्व और द्रवत्व। कर्म 5 प्रकार के होते हैं उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। सामान्य 2 प्रकार का होता है सत्ता सामान्य और द्रव्यत्वाद विशिष्ट सामान्य। प्रत्येक परमाणु में अपना अपना खास विशेष स्थान होता है जो औरों से उसका पृथक निर्देश करता है। अव्यय और अव्ययिक में आधार और आधेय जैसे सूत और वस्त्र में जो स्वाभाविक संबंध है वह समवाय कहलाता है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान इन 2 प्रमाणों को मानता है।